देखें जी कैसे मिक्स हो गई है चीनी और कॉफी। सुभान अल्लाह, आर के ब्लॉगर्स पर इनामात मिल रहे हैं क्योंकि भाई ने जो एक बार कमिटमेंट कर ली तो भाई अपने बाप की भी नहीं सुनता। अस्सलाम वालेकुम, सर्दियाँ आ नहीं रही, सर्दी आ गई हैं तो भाई भी आ गए आपके लिए सर्दियों का तोहफा लेके, कॉफ़ी। ऐसी कॉफ़ी जो आप घर पे बना सकते हैं और इस कॉफ़ी को बनाने के लिए कॉफ़ी मेकर्स की भी ज़रूरत नहीं। तो चले फिर चलते हैं किचन में। अच्छा जी, आपको चाहिए कॉफ़ी और चीनी, आपने मिक्स करना है कॉफ़ी को और चीनी को। तो ये देखें जी, 6 चम्मच चीनी के और 4 चम्मच मैंने लिए हैं कॉफ़ी के, इसको मैं कर रहा हूँ मिक्स। इसको अच्छी तरह आपने मिक्स कर देना है जी। तो मैंने इसको कर लिया मिक्स और अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एक ब्लेंडर। मैंने इस कॉफ़ी और चीनी के मिक्सचर को ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लेना है। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और रेसिपी का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो इसको मिक्स करता हूँ फिर नेक्स्ट स्टेप पे आता हूँ। देखें जी कैसे मिक्स हो गई है चीनी और कॉफ़ी। अब आप इसको सेव कर सकते हैं अपने पास। मैंने बनाने थी 2 कप, तो 2 कप के लिए मुझे ये मिक्स किया हुआ चीनी और कॉफ़ी का मिक्सचर 2 स्पून चाहिए। अब इसमें जी डाल लें आप 2 चम्मच पानी के। ये देखें कलर कैसा आया है। और आपने इसको अब अच्छे से मिक्स करना है। सुभान अल्लाह, इसमें मैंने अब ऐड किया जी क्रीम, और क्रीम आप 2 टीस्पून ऐड कर देंगे। अच्छा जी, कॉफ़ी के लिए अब आपने करना है जी 3 कप दूध को बॉईल। तो जी कॉफ़ी हमारी रेडी हो रही है, उतनी देर आप आर के एफ व्लॉगर्स चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लें, आपका बिल नहीं आएगा। और साथ ही साथ मैं खा रहा हूँ क्वेटा के काजू। अगर आपने मेरे क्वेटा के व्लॉग्स अभी तक नहीं देखे तो आज ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों जो आपके प्राइजेज हैं वो आपको नेक्स्ट वीक में मंडे या ट्यूसडे को मिल जाएंगे। जिन दोस्तों के प्राइज़ निकले हैं और जब उन्हें रिसीव हो जाएं तो काइंडली कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि सबको पता चले कि आर के एफ व्लॉगर्स पर इनामात मिल रहे हैं। क्योंकि भाई ने जो एक बार कमिटमेंट कर ली तो भाई अपने बाप की भी नहीं सुनता। भाई का बाप जो नहीं है, आपका बाप है तो उसकी इज्जत करें, उसका एहतराम करें। आज मेरी बताई हुई रेसिपी को ट्राई करें, कॉफ़ी बनाएं और अपने वालिद साहब को पिलाइएगा। लेकिन वालिद साहब को पिलाने से पहले उनको एक बार थैंक्स कीजिएगा, अपनी ख्वाहिशात कुर्बान करके आपकी ख्वाहिशात को पूरा किया। तो आज भाई के कहने पे अपने वालिद साहब को थैंक यू ज़रूर कहिएगा और फिर कॉफ़ी पेश कीजिएगा, आपको मज़ा आएगा। अच्छा जी, दूध हमारा बॉयल हो चुका है जी और अब हम इसको कप्स में डाल लेंगे। और सबसे पहले बता दूं कि इसमें मैंने 2 चम्मच डाले हैं और अब मैं इसमें डालूंगा दूध। ये बनी सही क्रीमी जी कॉफी। फाइनल इंग्रेडिएंट जो जान है कॉफ़ी की, आपने थोड़ी सी कॉफ़ी लेके इस पर छिड़क देनी है। ये हमारी रेडी है क्रीमी कॉफ़ी। तो जी वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लें और अब देखें लकी विनर का नाम।